जय हिंद। आज के इस रीजनिंग क्लास में हम पढ़ेंगे ऑड वन आउट के पार्ट टू वर्ड बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने हमारे साथ लेटर बेस्ड क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया था, आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके लेटर बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलिए आज देखते हैं वर्ड बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। इसका क्वेश्चन नंबर वन है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द वर्ड विच इज नॉट फ्रॉम द ग्रुप। ये जो चारों वर्ड दिए हुए हैं इनमें हमें पता करना है कि कौन सा जो वर्ड है वो इन ग्रुप में नहीं है। तो यहां देखिए पीयूटी, पुट एंड एग एंड, इनका जब अगर हम मीनिंग पे जाते हैं, पुट मतलब रखना, एंड मतलब और, एग मतलब अंडा, एंड मतलब चींटी, अगर मीनिंग पे जाएंगे तो हम बिल्कुल ही पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जो वर्ड है वो डिफरेंट है। तो चलिए एक नया ट्रिक लगाते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का। वोवेल कितने होते हैं? पांच, ए ई आई ओ यू। तो यहां देखिए ये जो लेटर स्टार्ट किससे हो रहा है, पी, तो पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहां पे ए क्या है? वोवेल। ये ई क्या है? ये भी वोवेल है। ए क्या है? ये भी वोवेल है। तो ये तीनों वर्ड जो है ये आ रहा है वोवेल, यानी कि ये एक जैसे हैं, बाकी ये क्या है? ये डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? वन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें भी हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इन सब में से डिफरेंट है। यहाँ देखिए ये है जेब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स। चलिए थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि ये देखिए जेब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए जेब्रा क्या है? एक जंगली जानवर है। लायन क्या है? ये भी एक जंगली जानवर। टाइगर क्या है? जंगली जानवर। लेकिन हॉर्स क्या है? ये डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि घरेलू जानवर है। इसको हम क्या करते हैं? घरों में पालते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा भी होगा कि लायन को कुछ लोग पालते हैं, लेकिन क्या है वो जबरदस्ती होता है। तो ये क्या है? ये भी एक जंगली जानवर, ये भी एक जंगली जानवर, ये भी एक जंगली जानवर। हॉर्स क्या है? ये एक डोमेस्टिक एनिमल है, यानी कि घरेलू जानवर है। ये तीन ऑप्शन क्या हो गए हमारे? जंगली जानवर के, लेकिन ये क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हॉर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसमें भी हमें बताना है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, पपाया। अगर आप इसमें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पे जाइएगा फिर आप फाइंड आउट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल, फिर ये वोवेल और ये कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे तो दो चीजें ओवरलैप हो रही है, तो यहाँ पे हम वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कुछ हमें नया सोचना पड़ेगा ताकि हमें इनमें डिफ्रेंशिएट कर दें कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास चार ऑप्शन है, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, पपाया। तो इसके बारे में सोचिए कि किस बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैंगो में, ऑरेंज में, एप्पल में, पपाया में कौन सी चीज है जो कि सिमिलर हो सकती है, या फिर कौन सा चीज इसमें होगा जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा डीप नहीं सोचना है। चलिए बिल्कुल सही आपने सोचा है, मैंगो। मैंगो में सीड कितने होते हैं? वन। ऑरेंज, ऑरेंज में हम काउंट करके ऐसे बता नहीं सकते कि कभी कभी ऑरेंज में 10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 10 भी, मतलब इसका कोई ठीक नहीं होता कितने होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं। एप्पल, एप्पल में क्या है? 4, 5, 6 या फिर 7-8 सीड होते हैं। पपाया में कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन मैंगो में क्या होता है? इसमें डेफिनेट है कि सिर्फ एक ही बीज होगा, एक से ज्यादा बीज नहीं होंगे। तो इन सब में क्या है, नंबर ऑफ सीड जो है, बीज की संख्या जो है इन सब में वो क्या है? ज्यादा है। लेकिन आम में क्या है? आम में सिर्फ एक ही बीज है। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर वन, मैंगो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास क्या दिया है, चार मंथ का नेम दे दिया। इन मंथ के नेम में हमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा मंथ का नेम जो है वो इन सब में डिफ्रेंशिएट है, यानी कि जनवरी, नवंबर, जुलाई, अगस्त। तो जब भी आपके सामने महीने का नाम है, मंथ का नेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, इनके नंबर ऑफ डेज पे जाना है। जनवरी में कितने डेज होते हैं, नवंबर में कितने डेज होते हैं, जुलाई में कितने होते हैं, अगस्त में कितने होते हैं, आप लोगों को इतना तो पता होगा ही। सिंपल, आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा कि अपने हाथों को मुट्ठी बांध के भी ऐसे करते थे, चेक करते थे कि कौन सा डेज होगा, 31 डेज क्या होगा, कौन सा मंथ में 30 डेज होगा। तो यहाँ देखिए जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। नवंबर में 30। जुलाई में 31। अगस्त में 31। तो इन सब में नंबर ऑफ डेज क्या है? इसमें 31, 30, 31, 30। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है? नवंबर। नवंबर में कितने दिन है? 30। तो ये क्या है? इन सब में से डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास चार ऑप्शन है, पैरट, बैट, क्रो, बर्ड। पैरट क्या है? बर्ड की एक वैरायटी है। बैट क्या है? ये भी बर्ड की वैरायटी है। क्रो क्या है? बैट की वैरायटी है। लेकिन बर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ बर्ड वैरायटी, यानी कि जितने भी ये बर्ड की वैरायटी है इन सब का एक ग्रुप होता है, ना कि ये बर्ड की वैरायटी होता है। तो हमारा ऑप्शन डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? ये बर्ड, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए, बिल्कुल मैंने बर्ड की जगह पे क्या लिख दिया? पिजन। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। पैरट, बैट, क्रो, पिजन। पैरट क्या है? एग लेइंग बर्ड है। एग लेइंग मीन्स ये अंडे देती है। बैट क्या है? एक मैमल है, जो कि ये क्या करता है? यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि डायरेक्ट ये जन्म देते हैं। क्रो क्या है? ये भी एग लेइंग बर्ड है। पिजन क्या है? ये भी एक एग लेइंग बर्ड है। ये भी अंडे देता है, ये भी अंडे देता है, ये भी अंडे देता है, लेकिन ये क्या है? यंग वंस को जन्म देता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? बैट। बैट मीन चमगादड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास चार ऑप्शन है, पेन, पेंसिल, मार्कर, व्हाइट बोर्ड। पेन से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। पेंसिल से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। मार्कर से क्या करते हैं? लिखते हैं। लेकिन व्हाइट बोर्ड से लिखते नहीं है, जबकि व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। तो इन सब में हमारा डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? व्हाइट बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे टेलर, हेल्पर, कारपेंटर, बार्बर। टेलर, टेलर मीन्स दर्जी। दर्जी का काम क्या होता है? कपड़े सिलना। कारपेंटर मीन्स बढ़ई। बढ़ई का काम क्या है? जो भी लकड़ी का काम होगा वो करेगा। बार्बर जो भी नाई होते हैं, नाई क्या करेंगे? बाल की कटाई करेंगे। लेकिन हेल्पर, हेल्पर कुछ भी कर सकता है। ये टेलर के भी हेल्प कर सकता है, कारपेंटर के भी हेल्प कर सकता है, बार्बर के भी हेल्प कर सकता है। तो हेल्पर जो है ये कोई प्रोफेशन नहीं है। टेलर एक प्रोफेशन है, कारपेंटर एक प्रोफेशन है, बार्बर भी एक प्रोफेशन है। हेल्पर क्या है? इन सब में कहीं भी लग सकता है, किसी की भी हेल्प कर सकता है। हेल्पर क्या है? एक प्रोफेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इन सब में डिफरेंट कौन सा है? हेल्पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर। ये क्वेश्चन ना बहुत ही वीवीआईपी है, ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। टीचर कौन हो सकता है? ये कोई भी हो सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही हो सकता है टीचर। लेकिन डॉक्टर को पढ़ाने वाला कौन होगा? खुद एक डॉक्टर होगा ना, उन्होंने एमबीबीएस, एमडी, पीएचडी करके तब तो डॉक्टर को पढ़ा रहे होंगे, उन्हें भी तो हम टीचर ही कहते हैं ना। इंजीनियर के जो पढ़ाई करवाते हैं वो भी तो खुद में तो एक इंजीनियर होता है ना, उन्होंने बीटेक, एमटेक करके तब ये इंजीनियर को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन टीचर क्या हो सकता है? टीचर कोई भी हो सकता है, ये क्या है? एक स्पेसिफाई प्रोफेशन है। तो इन सब में हमारा डिफरेंट कौन है? ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीचर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास पांच ऑप्शन है, 3, 4, 5, 6 एंड 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जब मैं वर्ड बेस्ड क्वेश्चन शुरू कर रहा था तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को करना है तो क्या करना है। हमें सबसे पहले इनमें वॉवेल काउंट करना है कि नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं। उसके बाद हम काउंट करेंगे कि इनका जो फर्स्ट लेटर है क्या वो वॉवेल है या कॉन्सनेंट है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, टी कॉन्सनेंट, एफ कॉन्सनेंट, एफ कॉन्सनेंट, एस कॉन्सनेंट, एन कॉन्सनेंट। ये जितने भी ऑप्शन है हमारे पास, इनका जो पहला लेटर है वो क्या है? कॉन्सनेंट है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था कि पहला लेटर को वॉवेल एंड कॉन्सनेंट में डिफ्रेंशिएट करें, वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि इनमें नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सनेंट कितने हैं। तो यहाँ पे चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पे वॉवेल कितने हैं? 2। यहाँ पे वॉवेल कितने हैं? 2। यहाँ पे वॉवेल आई ई, 2। यहाँ पे वॉवेल 1। यहाँ पे वॉवेल आई ई, 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 2 वॉवेल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉवेल्स कितने हैं? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, जंप, वॉक, स्विम, रन, हैप्पी। इनका मीनिंग चेक करिए, इसका मीनिंग क्या होता है? जंप मीन्स कूदना, वॉक मतलब चलना, स्विम मतलब तैरना, रन मतलब दौड़ना, हैप्पी मतलब खुश। ये देखिए, हम जंप करेंगे तो किसी को भी पता लग जाएगा कि क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है, वॉक कर रहा है, चल रहे हैं तो कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ वो चल रहा है। स्विम कर रहे हैं यानी कि तैर रहे हैं, तो भी कोई भी देख के हमें बता सकता है कि वो तैर रहा है। रन कर रहे हैं तो कोई भी इजिली देख के बता देगा कि हाँ वो दौड़ रहे हैं। लेकिन हैप्पी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं खुश हूं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं हैप्पी हूं या नहीं? हैप्पी क्या होता है? एक इमोशन होता है, ना कि एक फिजिकल एक्टिविटी होती है।
जंप में भी फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है। इन जितने भी चार ऑप्शन जो है शुरू के, इनमें क्या हो रहा है, एक फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन हैप्पी में क्या हो रहा है, एक इमोशन भी दिखाया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन इन सब में करेक्ट कौन सा हो जाएगा, हैप्पी, यानी कि हैप्पी एक इमोशन है ना कि एक फिजिकल एक्टिविटी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पेयर ऑफ टू वर्ड्स यानी कि दो दो शब्द होंगे एक साथ होंगे उनको देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।